पराली प्रबंधन और कृषि उपकरणों की खरीद के संबंध में मंगलवार को अपर मुख्य सचिव कृषि देवी चतुर्वेदी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि निदेशकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने पराली जलाने और कृषि उपकरणों की खरीद को सुचारू रूप से जनपदवार चलाने का निर्देश दिया। इस मौके पर गोरखपुर से उप निदेशक कृषि संजय सिंह सहित अन्य अधिकारी एनआईसी भवन के सभागार में मौजूद रहे। उसके लिए भी हम आपको बजट उपलब्ध करा रहे हैं, इसको इसको हर गांव में करने के लिए इसको हर गांव में जहां पर नहीं लगाना है इसको आप हर गांव में, क्योंकि होर्डिंग्स महंगे होते हैं और वॉल पेंटिंग सस्ते में हो जाती है, तो इसको आप होर्डिंग्स तो लिमिटेड लगाने होंगे, मेन मेन तहसील और ब्लॉक में लगेंगे, लेकिन ये वॉल पेंटिंग्स आप लोकल लेवल पे एक स्टैंडर्ड उसका एक स्क्वायर फीट का होता है वहां पर हो जाता है, वो आप लगवा दीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी कृषि से संबंधित कार्यक्रम हो जिले गांव और न्याय पंचायत लेवल पे सब में पराली प्रबंधन के पास जरूर हो और माननीय जनप्रतिनिधि के साथ हो और सबके साथ हो। दूसरा आपसे अनुरोध है जिला अधिकारियों से खास तौर पे जो यहाँ पर है या उनके प्रतिनिधि यहाँ पर होंगे अवश्य होंगे कि जो आप लोग जो हार्वेस्टर के जो ओनर्स हैं या जो हार्वेस्टर मंगवाते हैं पंजाब हरियाणा से, कुछ यहाँ के अपने ओनर्स होते हैं कुछ मंगवाते हैं, इसकी सूची वहां उपलब्ध होगी और सूची आपके पास उपलब्ध होनी भी चाहिए कहाँ कहाँ लग रहे हैं। उनसे हम लोग ने जो देखिए सबसे इफेक्टिव तरीका यह है कि उनसे अगर हम लोग जो SMS है सुपर स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अगर हम लोग मैंडेटरी कर दें या कुछ उसके अलावा कोई और जो भी उस वक्त साथ साथ चल के उसको हम लोग स्टॉक मैनेज कर देता है कर देते हैं, तो ये मान के चलिए कि खेतों में पराली जलने की घटनाएं नहीं होंगी क्योंकि वो वहां से हट जाएगा। उसके बाद वो हो सकता है कि वो इकट्ठा करके एक जगह कोशिश करे तो उसके फिर लेकिन फिर भी वो उतना जो है नुकसान नहीं करता और उतने कहीं और यूज भी हो जाता है लोग एक करके जैसा पंजाब हरियाणा में पंजाब में ज्यादा होता है यहाँ भी प्रयास होते हैं। तो ये जो मैंडेटरी है SMS का ये आप मीटिंग करके इसको मैंडेटरी कर दीजिए और इसको अगर कोई वायलेट करता है तो उसको आप सीज करना भी शुरू कर दीजिए क्योंकि रोक नहीं है उसको सीज करने के लिए, क्योंकि अगर वो ठूंठ छोड़ रहे हैं पीछे तो ये मान के चलिए वो जलाएंगे करती है या हाथ से काट करके लोग फिशिंग करते हैं ईस्टर्न यूपी में ज्यादा होता है हाथ से वो कटाई करके फिर थ्रेशर यूज करते हैं, तो उसमें ये इंश्योर हो जाए कि उसके बाद जो बचता है उसको जैसे हम लोगों ने किया और अभी से घंटे मनरेगा के पैसे से सार्वजनिक जगह पे वहां पर पराली डाल के उसमें वो डीकम्पोजर इस्तेमाल कर लिया था जो मिल रहा है और उससे जो है वो पूरा वो क्योंकि डीकम्पोजर वैसे ही फ्री में बांट रहे हैं तो ये वाले डीकम्पोजर आप वहां यूज कर लेंगे और वो खाद में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये फिर पराली जलने की स्थिति नहीं आएगी, केवल किसान को वहां तक लाना पड़ेगा उसको उठा के जहां से वो खेतों में काम कर रहा है। तो हमने पहले किया था कि अगर कोई थ्रेशर से काट उससे काटता है और अगर वहां पर उससे हार्वेस्टर से और वहीं पर खेतों में करके वो उसमें थोड़ा सा यूरिया डाल देता है जो बरेली जमीन और जो हमारा जो उसका जो है पानी डालने से वो सड़ जाता है उसका जो बचा हुआ पराली है और उसको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये सब चीजें जो है हम लोगों को इंश्योर करनी है। और 1 सितंबर से जैसे कल से इसका अभियान की तरह इसको शुरू कर दीजिए प्लान करके, बजट की कोई कमी हम नहीं होने देंगे इसको। फिर ड्यूटीज लगवा दीजिए अपने काम सभी कर्मचारियों की अक्टूबर नवंबर जब भी आपकी वहां हार्वेस्टिंग शुरू होती है जहां जहां होती है NCR की जनपदों में विशेष रूप से ख्याल रखना है क्योंकि कमीशन ऑफ NCR जो NCR की जनपदों को ही ज्यादा देखेगा, यद्यपि और जनपद भी उसमें वो मॉनिटर करेंगे, सब्सिडी की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो हम लोगों ने गन्ना समितियों को सहकारी समितियों को ग्राम पंचायतों को अध्यानिकर समितियों को जो हम लोगों ने लक्ष्य दिया था अभी तक इसमें 945 का लक्ष्य था, इसका वैसे सापेक्ष केवल और मैं इसमें जिलेवार बात करना चाहूंगा।